तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर आपका स्वागत है। द मोस्ट हैंडसम, द मोस्ट डैशिंग टीचर ऑफ द यूट्यूब हाजिर है आपके सामने। तो मैंने बोला था कि मैं आपके लिए NHPC के लिए एक डेडिकेटेड MCQ सीरीज रहूँगा। आज हम पावर प्लांट से रिलेटेड MCQs करने वाले हैं, ठीक है। तो NHPC जो है वो जनरेशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा MCQs पूछता है। इट आस्क्स MCQ इन द जनरेशन सेक्शन वेरी मोर, ठीक है। जनरेशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये जनरेशन की कंपनी है। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कंपनी है, लेकिन ये तीनों पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछता है। थर्मल से भी पूछता है, हाइड्रो से भी पूछता है, एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी उठाता है। तो पहला क्वेश्चन है, अ 200 MW स्टीम पावर प्लांट विल कंज्यूम नियरली। तो 200 MW स्टीम पावर प्लांट कितना कोल को कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आंसर के लिए भैया 30 सेकंड देता हूँ। अगर आप इस आंसर को दे सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसको रिवाइज़ करिए और आपको पता भी चल जाएगा आप कितने पानी में, आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है NHPC JEE के लिए, ठीक है। तो भैया बताइए, 30 सेकंड का टाइम है। ठीक है, बता देता हूँ आप। तो 2000 टन्स ऑफ कोल पर डे कंज्यूम करता है, तो भैया ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नेट धीरे चल रहा है इसलिए थोड़ी सी, बाकी कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपकी क्वालिटी देखिए, नेट थोड़ा सा धीरे चल रहा है उसको आप थोड़ा जाने ही दीजिए ऐसी बात को, ठीक है। हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल इज रफली, हीटिंग वैल्यू क्या होती है कोल की, पूछ सकता है क्वेश्चन, बताइए कौन कितने पानी में, आपको पता चल जाएगा। हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल कितनी होती है, 5000 से 6000 किलो कैलरी पर केजी होती है, ये आएगा, ऑप्शन आएगा ये सी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कोल की किस पे डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा, हाँ जी बताइए, कैलोरीफिक वैल्यू कोल की किस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है कैलोरीफिक वैल्यू कोल की सबसे ज़्यादा, भैया ऐश कंटेंट पे, ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, ठीक है ए, ठीक है। कोल ऑफ लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला कौन सा होता है, हाँ जी लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का कोयला कौन सा होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं थोड़े बहुत ये वाले, तो आपको करके जाने हैं। लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का कोल कौन सा होता है, तो भैया सबसे खराब कैलोरीफिक वैल्यू लिग्नाइट की होती है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा लिग्नाइट, ठीक है। तो लिग्नाइट की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे बेकार होती है, लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, और हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पूछता तो एंथ्रेसाइट होता, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। आ गया फिर से जो मैंने पहले ही बोल दिया था, आप तो ये करी दोगे। यहाँ पे कोल जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, किस कोल की हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है जरा बताना, बताओ भैया बताओ, अब तो बता ही दिया था पिछले में मैंने, एंथ्रेसाइट की, ठीक है, ऑप्शन है ये। लाइक लुइक भी कर दिया करो यार, समुंदर वमुंदर वाले चैनलों पे तो बहुत लाइक आते हैं, जबकि वहाँ तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी हो रही है, MCQ भी तो कराने चाहिए। बेटा 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 चैनल है, लाइक ही लाइक है वहाँ पे, फिर यहाँ क्यों नहीं लाइक होते, करना चाहिए ना आपको, सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और जबकि मेरी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उनसे ज़्यादा है, अभी तो 3 वीडियो सैलरी पे भी लेके आऊँगा, ठीक है। तो लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब करा करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो। बेटा 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 चल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे इतने सारे लाइक्स हैं, ठीक है, समुंदर पे इतने सारे लाइक हैं, ठीक है। और ठीक है, एक मास्टर प्लस वाला चैनल है, एक मास्टर प्लस भी है कोई,
आजकल आया हुआ, वहाँ पे भी लाइक्स हैं, बाप रे बहुत लाइक्स हैं वहाँ पे भी। पर मेरा क्यों नहीं कोई करता, करना चाहिए भाई, आपको मेरे को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कोल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट आल्सो नोन एज। हाँ यहाँ भैया, हाँ भैया, कोल जो थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? स्टीम कोल बोलते हैं उसको। अरे कहाँ चला गया तू, चल चल। अबे क्वेश्चन ही गायब हो गया, आएगा अभी। कोल यूज जो होता है थर्मल पावर प्लांट में उसको स्टीम कोल बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आएगा बी। कोकिंग कोक्स किन्हें बोलते हैं? कोकिंग कोक्स किन्हें बोला जाता है? अच्छा, मेरे जो इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर है ना, प्लीज वो इसको जरूर पढ़ के जाइए। कौन कौन से, जैसे संदीप यादव है उसको जरूर पढ़ के जाना। SHP इलेक्ट्रिकल, यार भाई तू भी इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाइयो, क्योंकि देख लियो, अगर पिछली बार NHPC का पेपर देखा होगा तो NHPC जनरेशन से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है ना, तो SHP भाई तू भी पढ़ के जाइयो, संदीप यादव भी पढ़ के जाना, विशाल यादव भी पढ़ के जाना इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली वो हो जाते हैं हम जो छोड़ के जाते हैं। ठीक है ये बुक से ही लिए हुए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये छोड़ के चला जाता है। अब कोकिंग कॉक्स आ गया मान ले, अब बंदा सोचेगा यार ये तो क्वेश्चन हमने देखा हुआ था, काश हम पढ़ लेते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं बच्चे, ये आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, शैलेंद्र कुमार हो गया, ठीक है ये सब पढ़ के जाना। ठीक है, सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, हर्षित हो गया, ठीक है तो ये पढ़ के जाना, तन्मय सरदार वगैरह। ठीक है, प्रदीप सिंह बिष्ट हमारे चहीते जो देख रहे हैं अगर इसको, तो वो ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, प्रदीप सिंह बिष्ट जी, UPPCL के, आपकी UPPCL ड्रीम जॉब है, तो UPPCL में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर। और UPPCL ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है, कोकिंग कोक्स पूछ लेगा। कौन से होते हैं भाई, जो लंप और मास होते हैं ना कोक के, वही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी। ऑप्शन आएगा सी, ठीक है, तो ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल? इसमें से सबसे ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी किस कोल की है, सबसे बेस्ट कोल कौन सा है? भैया याद रखना, सुपीरियर क्वालिटी का जो कोयला होता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर वही यूज होता है। ठीक है, वो होता है बिटुमिनियस कोल। ठीक है, NTPC वगैरह सब इसी से बनाते हैं, बिटुमिनियस कोल से। ठीक है, तो ऑप्शन ए। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि यार बिटुमिनियस का यूज़ क्यों होता है। ठीक है ना, एंथ्रेसाइट का क्यों यूज़ नहीं होता, जबकि एंथ्रेसाइट यूज़ होना चाहिए थर्मल पावर प्लांट में, तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रेसाइट की है, पर हम फिर बिटुमिनियस को यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, कभी आपके मन में सवाल भी आया होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ जी, लो ग्रेड कोल्स के अंदर क्या होता है, लो ग्रेड कोल्स क्या होते हैं बताओ? लो ग्रेड कोल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है बताइए जल्दी, लो ग्रेड कोल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? भैया अगर ये क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी सही है, अगर नहीं होते तो इनको रिवाइज करो, इनको पढ़ो। ठीक है, लो ग्रेड कोल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो लो ग्रेड कोल्स की लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अबे यार एक तो ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, कोल किस, कोयला जो होता है उसको किस किस चीज़ का, किस चीज़ से कंसीडर करते हैं? तो कोल जो होता है भैया वो वेजिटेबल ओरिजिन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ हार्ड कोल, इसमें से हार्ड कोल कौन सा नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो हार्ड नॉट अ हार्ड कोर है ना, ये UPPCL, एक सेकंड, UPPCL 2000, दो हजार 2018 री एग्जाम में पूछा गया था। ये री एग्जाम नहीं, UPPCL 2018 जो लीक हुआ था वो वाला एग्जाम में पूछा गया था, विच इज नॉट अ हार्ड कोल वाला। ठीक है, तो इसमें से हार्ड कोर कौन सा नहीं है बताइए? तो भैया लिग्नाइट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, लिग्नाइट हार्ड कोल नहीं है।
कोल की जो रैंक होती है वो किससे स्पेसिफाई होती है, कोल की रैंक किससे स्पेसिफाई होती है, कौन सा कोल कितना बढ़िया है, कैसे स्पेसिफाई करोगे आप बताइए, कौन सा कोयला कितना अच्छा है, किससे स्पेसिफाई करा जाएगा, समझाइए भैया बताइए, उसके ऐश कंटेंट से। ऑप्शन डी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एवरेज ऐश कंटेंट जो होता है इंडियन कोल्स में वो कितना होता है, एवरेज ऐश कंटेंट जो होता है भारत के कोयलों में वो कितना होता है, एवरेज ऐश कंटेंट जो होता है भारत के कोयलों में वो कितना होता है, तो भैया वो 20% होता है, इस चीज़ को याद रख लेना, अपने दिमाग में घुसा लेना इसको, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, ये अपने दिमाग में घुसा लेना आप। ठीक है, कोल हैज़ द हाईएस्ट ऐश कंटेंट, सबसे ज़्यादा ऐश कंटेंट किस कोल का होगा भैया, लिग्नाइट का होगा, ठीक है, इसका ऐश कंटेंट हाई है। ऐश कंटेंट जो होता है कोल का, कोयले का जो ऐश कंटेंट होता है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कोयले के ऐश कंटेंट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो बताइए, तो कोयले का जो ऐश कंटेंट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो वॉशिंग से, ऑप्शन बी। कंबस्टिबल एलिमेंट जो होते हैं फ्यूल में वो कौन कौन से होते हैं, कंबस्टिबल एलिमेंट फ्यूल के होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास सी। एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, हाँ जी एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है बताइए, एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, एंथ्रेसाइट कोल में कार्बन की परसेंटेज 90% से ज़्यादा होती है, ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट होता है सॉल्व रिफाइंड कोल में लो परसेंटेज होती है किसकी, सॉल्व्ड रिफाइंड कोल में किसकी लो परसेंटेज होएगी, तो भैया सबकी, इम्प्योरिटीज़ की भी होएगी, सल्फर की भी होएगी, ऐश की भी होएगी, डी ऑल ऑफ द अबव सबकी होएगी, ठीक है। यदि कोल में सल्फर प्रेजेंट होता है, ये बोल रहा है प्रेजेंट ऑफ सल्फर कंटेंट इन अ कोल विल कॉज, प्रेजेंस जो होगी सल्फर कंटेंट की कोल में वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस कंबशन ड्यूरिंग कोल स्टोरेज, बिल्कुल यही ऑप्शन है, क्लिकरिंग स्लैगिंग यस, फैसिलिएटिंग ऐश प्रेसिपिटेशन यस, डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये रहे। नेक्स्ट होता है सल्फर कंटेंट ऑफ लिक्विड एज्यूम इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, तो सल्फर कंटेंट जो होता है लिक्विड का वो क्या एज्यूम करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो सल्फर कंटेंट जो होता है बेसिकली वो हमारा अध्ययन करता है कोरोजन को, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा सी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल इज गिवन बाय, केमिकल कंपोजिशन जो होती है कोल की वो कैसे देते हैं, केमिकल कंपोजिशन कोल की होती है अल्टीमेट एनालिसिस से, ऑप्शन आएगा ए। इन एना द एनालिसिस गिविंग फिक्स्ड कार्बन वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर ऐश एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड, तो कौन सा एनालिसिस हुआ, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हुआ जिसमें कार्बन वोलेटाइल कंबस्टिबल ऐश और मॉइस्चर को साथ में लेते हैं, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है कोल का। अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस में क्या किया जाता है, किसकी परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए, ज्ञात करने के लिए करा जाता है अल्टीमेट एनालिसिस, वेट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ऑप्शन सी। ये छोड़ दो, ये नहीं आएगा।
बिटुमिनियस कोल का ऐश कंटेंट कितना होता है? बिटुमिनियस कोल का ऐश कंटेंट, बिटुमिनियस कोल का ऐश कंटेंट होता है भैया 6 से 12 होता है, ठीक है। ऑप्शन आएगा बी, ठीक है, बिटुमिनियस कोल का, ए गलत है, ठीक है। बिटुमिनियस कोल का ऐश कंटेंट याद रखना 6 से 12 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर इन सिलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉर पावर प्लांट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर करते हैं फ्यूल की सिलेक्शन के लिए पावर प्लांट में, वो करते हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल, एक तो फ्यूल की कीमत, दूसरी कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा ए एंड बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों आएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़े थोड़े करेंगे ना फिर दिमाग में भी ज़्यादा रहता है। अगर एक ही दिन में 100 क्वेश्चन करा दूंगा फिर वो आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, तो इतने, ठीक है। लाइव स्टोरेज ऑफ अ कोल इन अ पावर प्लांट का क्या मतलब होता है, ठीक है। लाइव स्टोरेज कोल का पावर प्लांट में क्या मतलब होता है समझिए। लाइव स्टोरेज का मतलब होता है अ कवर्ड स्टोरेज नियर द बॉयलर फर्नेस हैविंग कोल सफिशिएंट टू मीट 24 आवर डिमांड ऑफ द पावर प्लांट, ठीक है। बॉयलर फर्नेस के निकट एक स्टोरेज बना के कोल का रखना ताकि वो 24 घंटे पावर डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, उसी को बोलते हैं भैया लाइव स्टोरेज ऑफ द कोल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है इस बार ही, तो आपको और तगड़े तरीके के MCQs ला के दिखाऊंगा। और अभी नेटवर्क्स के, नेटवर्क का मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसे जाके देखिए। बाकी सब लेक्चर अभी मैं बनाने वाला हूँ, उससे पहले मैं ज़रा सैलरीज पे थोड़ा वो डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार ही मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये जो बेटा बेटा वाले चैनल हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी चैनल हैं मास्टर प्लस पता नहीं क्या क्या हैं आज, ठीक है, जिनका ये सब पिछड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर तब बढ़ेंगे, ठीक है, मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, बूम आएगा एकदम, ठीक है। अभी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, 413 तो हो ही गए हैं, 450 लगा लो इस महीने के अंदर 500 तो क्रॉस होएंगे ही होएंगे, ठीक है। 500 अगर क्रॉस हो गए ना तो चैनल की रीच बढ़ जाएगी, और बाई चांस अगर इस साल के दरमियान सिलेक्शन भी कहीं हो जाता है, ठीक है, तो फिर बूम आएगा बहुत तगड़ा, ठीक है, सब्सक्राइबर में। क्यों? एक तो जहां मैं सेलेक्ट होऊंगा वहां मैं प्रैक्टिकल काम कैसे हो रहा है वो सारा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। हफ्ते में एक वीडियो प्रैक्टिकल की भी आएगी, तो वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो NHPC में गया, तो NHPC में प्रैक्टिकल काम कैसे होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। NHPC में सिलेक्शन नहीं हुआ, UPPCL में हो गया, तो UPPCL में ट्रांसमिशन ऑप्ट करूंगा, और ट्रांसमिशन तो पूरा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन में काम कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ अभी आपको दिखाना बाकी है सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो फिर भी यार अभी भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करिए, लाइक करिए, आपको पसंद आते हैं MCQ तो लाइक तो किया करो यार, ठीक है, कम से कम, ठीक है, ओके, थैंक यू।